और चलिए खबरों का रुख करेंगे। झुंझुनू से एक युवक की मारपीट का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक की डंडों और बेल्ट से पिटाई की जा रही है। वीडियो में युवक हाथ जोड़कर रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन मारपीट करने वालों की जरा भी रहम नहीं आ रहा। मामला भिवानी मुक्ति धाम का है, जो कि 3 दिन पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक झुंझुनू निवासी महेश भिवानी मुक्ति धाम की तरफ जा रहा था, और तभी कुछ युवक महेश को अपने साथ भिवानी ले गए और वहां पर उसके साथ मारपीट की और वीडियो भी बनाया गया। जानकारी ये भी सामने आई है कि युवक महेश का कहना है कि वो डर के चलते कोतवाली नहीं पहुंचा, साथ ही उसकी आर्थिक स्थिति भी नहीं कि वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा पाए। लेकिन ये तस्वीरें देखिए किस तरह से बेरहमी के साथ इस युवक के साथ मारपीट की जा रही है। ये खबर आपको झुंझुनू से बता रहे हैं, और अब ये वीडियो वायरल हो रहा है और इन तस्वीरों में साफ तौर पर ये भी दिखाई दे रहा है कि किस तरह से वो युवक हाथ जोड़कर इन सभी आरोपियों से रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन इन सभी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बार बार डंडों से इसकी पिटाई की जा रही है, हालांकि फर्स्ट इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। और ये भी बात सामने आई कि डर के चलते वो युवक थाने नहीं पहुंचा, और साथ ही उसने ये भी कहा कि उसकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है कि वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा पाए। तो झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और तस्वीरें चूंकि सब कुछ बयां कर रही है कि किस तरह से इस युवक के साथ मारपीट की गई। बार बार ये युवक यही गुहार लगाता रहा कि उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी डंडों से बेल्ट से ये सभी युवक मिलकर इस अकेले युवक की मारपीट करते रहे। हालांकि फर्स्ट इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। ये खबर आपको झुंझुनू से बता रहे हैं, और देखिए किस तरह से इस अकेले युवक को इतने सारे लोग मिलकर मार रहे हैं। कोई बेल्ट से मार रहा है, कोई डंडे से मारपीट कर रहा है, और 3 दिन पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है। और ये भी बात सामने आई है कि ये युवक डर के मारे थाने नहीं पहुंचा, और साथ ही ये भी बात है चूंकि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसके चलते उसको लगा कि वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में सक्षम नहीं है। लेकिन अब ये वीडियो सामने आने के बाद साफ तौर पर इस मामले में कार्रवाई होगी, ये पूरी उम्मीद करते हैं। फर्स्ट इंडिया प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखा रहा है, 3 दिन पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि फर्स्ट इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। तो ये बड़ी खबर आपको झुंझुनू से बता रहे हैं किस तरह से बेरहमी के साथ ये तमाम युवक मिलकर इस अकेले युवक की पिटाई कर रहे हैं, और ये वीडियो 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक झुंझुनू निवासी महेश भिवानी मुक्ति धाम की तरफ जा रहा था, और तभी कुछ युवक महेश को अपने साथ भिवानी ले गए।